सबसे पहले तो सारे लोगों को नमस्कार मेरा, और फिल्म दिल धक धक करे जो हमारे सुपरस्टार कल्लू जी हैं और श्याम देहाती जी हैं और तनु जी हैं और हमारे प्रोड्यूसर साहब बीएम राय जी और शिव वर्मा जी हैं और अमित कश्यप और तोताराम, तो ये सारे लोग मिल के हम लोग एक बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं। ये कॉमेडी सब्जेक्ट है, थोड़ा सा हम लोग अलग किए हैं, जो भोजपुरी का चल रहा है अभी तो थोड़ा उससे हटके किए हैं, और बाकी तो हमारे हीरो हैं उसमें चार चांद ये लगाएंगे। कल्लू जी के जैसे कि स्टाइलिश स्टार कहे जाते हैं, इनके स्टाइल काफी पब्लिक पसंद करती है, या युवा दिलों के धड़कन है, और खासकर इनका एक्शन बहुत अच्छा है, इसमें इनका एक्शन कितना अलग है? हाँ, एक्शन भी है, कॉमेडी भी है, एक्शन भी है, और ये स्टाइलिश स्टार हैं तो उसी तरीके का इनका है उसमें। ये हर सिनेमा में कुछ ना कुछ अलग करना चाहिए, जैसे हर डायरेक्टर अलग बनाते हैं, इनका सब्जेक्ट है कॉमेडी वाला, तो इस बार कुछ अलग कॉमेडी अंदाज में आप लोगों को मैं दिखूंगा, और हीरो वो होना चाहिए जो हर करेक्टर में अपने आप को ढाल लें, तो इनका जो स्टोरी, इनका जो कंसेप्ट है, मैं उसमें अपने आप को इनके हिसाब से मैं उसमें एक्टिंग करूँगा, तो उम्मीद है कि इनकी जो मेहनत है, इनके देखिए डायरेक्टर का जो एक होता है सपना होता है कि मेरा हीरो ऐसा करे, जो भी राइटर लोग इतना मेहनत करते हैं तो हम चाहेंगे कि इनका जो भी सपना है, जो भी इनका सोच है, उस सोच पे हम खरा उतरे। नहीं, एक्चुअली हीरो जब एक स्टार सिंगर हैं तो गीत संगीत तो वैसे भी धमाका रहेगा, और श्याम जी का तो ऑलरेडी सारे लोग जानते हैं, तो श्याम जी म्यूजिक कर रहे हैं, श्याम देहाती जी, और श्याम देहाती जी आज़ाद जी हैं, तो ये सारे लोग मिल के, और हमारे हीरो, तो ये सारे लोग मिल के बैठ के एक बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर की बात की जाए तो क्या करें, उन्होंने आपको गॉडफादर कहा कि उनको इंडस्ट्री में आप? एक्चुअली अब उनके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, उन्होंने जो भी बोला, एक बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत ही मतलब सुलझे हुए इंसान हैं, सोच समझ के जो भी करते हैं, बड़ी समझदारी से सारी चीज करते हैं, तो बस अब ज़्यादा उनके लिए। श्याम जी आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर? बस हम बधाई देंगे, और इन्होंने अच्छा स्टोरी है फिल्म का, मेरा जी ने सुनाया तो बहुत अच्छा लगा, प्रिया सुन का, और जो भी गाने हैं हम लोग उसके हिसाब से बनाएंगे, सुचेतों के हिसाब से, हमारी टीम है सब लोग मिल के बनाएंगे, प्यारेलाल जी हैं, आज़ाद जी हैं, हम हैं, बाकी काम करेंगे अच्छा। कितने गाने होंगे? टोटल 8 सॉन्ग है, अब थोड़ा हम लोग सोच रहे हैं कम करने के लिए, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा होता था, पहले हम लोग का हाथ कलम था तो लिखते लिखते दुखा जाता था हाथ, अब थोड़ा कम कर रहे हैं, 7-8। हाँ वही ना, पहले 10-12 होता था, 3-4 साल पहले हम लोग 14-14 का फिल्म में था, रवि एक साल जब शुरू हुआ तो उसमें 12 को था, तो अभी थोड़ा कम हो गया, अभी अच्छा आ गया, पब्लिक का भी स्टोरी भी चाहिए ना, चल गाने से भी ज़्यादा तीखा भी उन लोगों को ज़्यादा हजम नहीं होता है, मालदारी पपा गानों में जैसे भोजपुरी फिल्मों के गानों के लेकर इसमें कितना चटनी अचार कितना मसाला मिलेगा? बराबर मिलेगा, अब ज़्यादा कम ना मिल रहा, सरो बैठल पर काटे ज़्यादा अचार डाल दो ले नू, अब पलाई बैठल का सब आजकल का होगा, सेंसर में बिहार की एक आदमी बा, कोई मैडम है आरा की, प्रॉपर भोजपुरी उनका पता बा, जहाँ तो उनको लगा था झर गई ला चाहे गोर गई तो धोल तारी फटाक दे, तो सब चीज़ देख के, लेकिन देखिए फिल्म भी बहुत अच्छा है, फिल्म के गाने हम लोग अभी सब 3-4 साल से बहुत सुधार हुआ है, खुद हम लोग भी सुधर गए हैं, गाने का मतलब दी है पहले नहीं फर्क, देखिए उम्र होता है बिगड़ने का, उम्र थोड़ा सा अभी अभी जब एल्बम का थोड़ा सा देखना पड़ेगा, फिल्म हम लोग का बहुत अच्छा है, एल्बम वाले थोड़ा सा बलगति फैलाए हैं क्योंकि पत्थर उन्हीं के कारण चल रहा है, उनसे भी आग्रह भाई प्लीज जानने का नाम बदनाम आप लोग मत कीजिए, आप लोग कुछ अच्छा अच्छा, एक लोग गलती कर रहे हैं उसमें सारे लोग हम लोग सन जा रहे हैं, बदनाम हो जा रहे हैं सारे लोग, और जितने नए लड़के हैं जो गाना गा रहे हैं वो लोग चाह रहे हैं कि हम गंदा गाना गा लें और हॉट वीडियो दिखा लें, व्यूज अच्छा ही रहा, स्टार बन गए, तो इससे हमारी भोजपुरी का मान सम्मान बहुत घट रहा है, तो आप सभी से निवेदन है कि स्टार बनने के चक्कर में रहे लोग इतना गंदा मत कर दे लोग, ताकि हमने के भी हमें
नाम आ जाता है। तो आप लोग से निवेदन बा कि अच्छा गीत गा लो, रास्ता ही लोग दिखाओ लो ना। देखिए हम रावत हम लोग का तो हम लोग जब भी गाते हैं हम दो अर्थी गीत गाते हैं, लेकिन आजकल जो गीत आ रहे हैं एकदम एक अर्थी है, डायरेक्ट मतलब उसी का मीन्स निकल रहे हैं। हम लोग गाते थे तो लोग सोचते थे चलो ये नहीं तो वो है, लेकिन आजकल जो गाना होता है अब हम नहीं बता सकते, लेकिन बहुत गंदा गंदा गाना होता है। यूट्यूब खोले में भी शर्म आता कि कहीं माई बाबू के सामने यूट्यूब खोलने तो ऐसा थंबली आ जाता है। तो रिक्वेस्ट बाय यूट्यूब वाला से भी कि आप भी अब सेंसर कॉपी मांगे कि नहीं, हमको सेंसर कॉपी दोगे तो ही तुम्हारा गाना अपलोड करूंगा, नहीं तो कंपनी में स्थित रख दीजिए कि 20 गाना अपलोड होगा। अब एक एक दिन में सही सही गाना आ जाता है, का लोग सुनवा का लोग देखे, तो गंदे गाने अब बंद होगा ही। नहीं वो ठीक है, नहीं वो ठीक है, देखिए गाने पे हम लोग सुधार कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों भी शिकायत है आप लोग का, ये आप लोग उल्टा सीधा जो डालते हैं टाइटल, पब्लिक कन्फ्यूज हो जाता है, बोलता है रे मतलब गाड़ी देखे हम गाड़ी नहीं देते, पर आप लोग भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अंदर कुछ और रहता है और बाहर कुछ और रहता है। एक आप लोग दिखाते कुछ जैसे गाना है, देखिए कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। देखिए एक पत्नी की व्यथा है, एक पत्नी का व्यथा है, जैसे होता है कि मस्ती में जैसा मैं जी शादी शुदा हूँ तो एक मस्ती होता है मियाँ बीवी में कि मस्ती में बोलता है काजी अब तो 3-4 महीने हो गया तरह से मन हमारे भरल का नहीं लगता, अब तरह से मन भर गया सोचते हैं दूसरा उपाय कर लूँ, तो बोलती है अच्छा 4-5 साल बरोबर था, आज जब उपाय करोगे तुमको उपाय लगा देंगे, तो मस्ती मजाक है। भोजपुरी में मस्ती मजाक वाला गाना हिट होता है, वो क्या है बलगर नहीं हिट होता है, वो जो पीआरओ टीआरपी वाले हैं मैं ट्रेंडिंग में चलते हैं इसीलिए दूर पर हाँ। अरे बाप रे वो तो पूरा मतलब प्रोड्यूसर साहब को तो बहुत अच्छे हैं, उनसे अभी मिला नहीं, अभी मिलूंगा कल, मेन मुद्दा की बात जो हुआ है नहीं है ना तो उनसे मैं कॉल मिलूंगा। और हमारे भाई साहब हैं बहुत अच्छे हैं, इनके साथ पहली फिल्म मैंने किया था लोहा पहलवान, गाना लिखा था उसमें, बहुत अच्छे इंसान बलम रंगबाज, बलम रंगबाज बहुत अच्छे इंसान है, इन्होंने बहुत मतलब 3-4 लोग मेरे फेवरेट उसमें से भी हैं, बहुत अच्छे इंसान है और अच्छा फिल्म बनाएंगे और सबको अच्छा लगेगा, पब्लिक को अच्छा लगेगा। बस हम लोग से यही कहेंगे कि फिल्म एक अच्छी बन रही है, आप लोग देखिए और देखिए सबको। अभी तो हमारे नसीब आने वाली है 9mm पिस्टल है, बलम रंगबाज है, फिर हमारे ये दिल धक धक करे।